नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज किसी ने प्रश्न किया था कि बुध प्रधान जातक कैसे होते हैं और बुध प्रधान जातकों का करियर फील्ड क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। तो मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो में आपको संक्षेप में बताने का। कई बातें तो मैं इसके पहले के वीडियोस में बता भी चुका हूं बुध के विषय में कि सूर्य के सबसे निकट के ग्रह होते हैं बुध, सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह भी बुध होते हैं। बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। जीवन में खुशहाली बुध ही देते हैं, इनके बिना जिंदगी नीरस ही है। बुध बुद्धि, वाणी, शिक्षा, बिजनेस, संचार, मामा और ननिहाल पक्ष के कारक हैं। मैंने आपको बताया था पहले कि कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और कन्या इनकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है और मीन राशि इनकी नीच राशि है। मित्रों, अक्सर आपको कुछ ऐसे लोग मिलते होंगे जो बहुत बोलने में एक्सपर्ट हों, हंसी मजाक चुटकुलों से लोगों को हंसाने वाले हों, बहुत हाजिर जवाब हों, किसी भी पार्टी में सभी को अपनी ओर खींच लेने वाले हो, समस्याओं का हल चुटकियों में देने वाले हों, तो आप समझ जाइए कि ये लोग बुध प्रधान जातक हैं। अगर आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं, किसी उलझन में हैं, तनाव में हैं और प्रश्न का उत्तर, समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप समाधान निकालने में असमर्थ हैं, तो फिर बुध प्रधान जातक से मिलिए, निश्चित ही आपको हल मिल जाएगा। इसीलिए एक बुध प्रधान व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार होता है। बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। चंद्रमा विचार देते हैं तो बुध उन विचारों के प्रकटीकरण का तरीका है। चंद्रमा के पुत्र जरूर हैं लेकिन चंद्रमा और बुध में सामंजस्य नहीं है, इनकी पटरी नहीं बैठती। चंद्रमा से इनका शत्रुता का भाव रहता है। मैंने बताया कि चंद्रमा विचार देता है तो बुध उस विचार को प्रकट करने का तरीका देता है। हम घटना को देखते हैं, विचार आता है हमारे मन में और तब उसके बाद का जो कार्य होता है वह बुध करता है, अर्थात प्रतिक्रिया देना। तो इस तरह देखें तो बुध बहुमुखी दक्षता देता है, अभिव्यक्ति की क्षमता प्रदान करता है किसी जातक को। बुध राजकुमार हैं, युवा हैं, इन पर सोहबत का असर बहुत होता है। कुंडली में ये जिस ग्रह के साथ होंगे उस ग्रह का असर ले लेंगे और उस ग्रह को अपना असर दे भी देंगे। ये जैसा देश वैसा भेष बना लेते हैं, इसलिए बुध प्रधान जो जातक होते हैं वे कहीं चले जाएं उन्हें एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं होती, एडजस्टमेंट में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते। बुध को बहुत कोमल ग्रह भी माना गया है क्योंकि ये चंद्रमा के पुत्र हैं, तो इसलिए कुछ प्रभाव तो आएगा ही, इसलिए इनमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। अब संक्षेप में बात करेंगे कि बुध प्रधान जातकों का प्रोफेशन क्या हो सकता है। देखिए, बुध व्यक्ति को विद्वता, वाद विवाद या तर्क की क्षमता व प्रभावशाली वाणी की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए किसी भी क्षेत्र की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बुध का बहुत बड़ा रोल होता है। बुध किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है उसकी बात करें तो बुध प्रधान व्यक्ति में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे उसमें चंचलता भी होती है, मनोरंजक होता है, थोड़ा बातूनी होता है, बातचीत करने में चतुर होता है, विश्लेषण की बहुत अच्छी क्षमता होती है उसमें, बुद्धिमान होता है, मजाकिया होता है, हाजिर जवाब होता है और अपॉर्चुनिस्ट होता है। स्वभाव उसका लचीला होगा,
हसमुख बहुमुखी होगा, मिलनसार और मित्रवत भी होता है, और ये लोग बहुत अच्छे डिप्लोमेट भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं। तो प्रोफेशन की बात अगर करें तो बुध प्रधान जातक अच्छे गणितज्ञ बन सकते हैं, अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, अच्छे लेखक और लेखाकार होते हैं, बैंकर, ज्योतिषी, शिक्षक, शिक्षक में भी खासकर कंप्यूटर, इंटरनेट, संचार आदि की शिक्षा ये बहुत अच्छी दे सकते हैं, इसके विशेषज्ञ होते हैं। कॉमर्स एंड ट्रेड में ऐसे जातक कार्यरत हो सकते हैं। अनुसंधान, प्रशिक्षण, कॉमेडियन, छपाई एवं प्रकाशन संस्थान चलाने वाले हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे संपादक हो सकते हैं और किसी न्यूज एजेंसी को चलाने की सामर्थ्य इनमें होती है। सोशल मीडिया में ये लोग बहुत सफलता अर्जित करते हैं। कम्युनिकेशन का कोई फील्ड हो, पत्रकारिता, विज्ञापन हो, तो ये ऐसे जातक बहुत सफल होते हैं। ये अच्छे कार्टूनिस्ट भी होते हैं। नेटवर्किंग क्षेत्र में इनको महारत हासिल होती है। ये बहुत अच्छे उपन्यासकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे पब्लिशर हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे ज़मींदार होते हैं, बहुत अच्छे कृषक हो सकते हैं, जो बहुत बड़ी ज़मीन लेकर उसमें कृषि का कार्य करें। ये बहुत अच्छे ड्राफ्ट्समैन हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं। ये बुक सेलर, अकाउंटेंट, क्लर्क, पब्लिक स्पीकर होते हैं, लोक वक्ता। ये भाषण देने वाले होते हैं, बहुत अच्छा भाषण देने की क्षमता होती है, इसलिए ये बहुत अच्छे प्रवचनकर्ता होते हैं। जो भी कथावाचक होते हैं उनका बुध ज़रूर बहुत अच्छा होगा, तभी वो अच्छा प्रवचन दे पाएंगे। बुध प्रधान जातक राजदूत होते हैं। आयात निर्यात के कार्य में महारत हासिल होती है, इनको बहुत सफलता अर्जित करते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ज़मीनी और हवाई यातायात में भी ये सफल होते हैं। घरेलू चीज़ों में बुध किताबें, पेन पेंसिल, पेपर्स, बुक शेल्फ्स, वॉल पेंटिंग, स्टडी टेबल, फोटोग्राफ और घर के बाहर का जो हरा भरा लॉन होता है उसको बुध डिनोट करता है। बॉडी पार्ट्स में ये जीभ, छोटी उंगली, स्किन, गर्दन, गला, नाभि, लंग्स, आर्म, माथा, हाथ, कंधे, खाने की जो नली होती है, आहार नली, उसका कारक होते हैं बुध। तो ये मित्रों मेरा प्रयास था आपको बताने का कि कुछ प्रोफेशंस जिसमें बुध प्रधान जातक बहुत सफल हो सकते हैं, और मैं आगे भी प्रयास करूंगा आपको इस विषय में और ज़्यादा कुछ अवगत कराने का। फिलहाल तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सियाराम, नमस्कार।